चलो भाई, तो बचे हुए क्वेश्चन करते हैं ज्यादा अच्छा। कैपिटल वेस्टिंग में बहुत बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 47 बना रहे। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 47 होना चाहिए सिक्योरिटी एनालिसिस में, पर यहां दिया गया क्वेश्चन नंबर 47 पेज नंबर 18। पड़ज लिखा है DEF लिमिटेड हैज बीन रेगुलरली पेइंग अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 19,20,000 पर एनम फॉर सेवरल इयर्स। अगर सिक्योरिटी एनालिसिस का नॉलेज है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, तो डिविडेंड दिया जा रहा कितना रुपए हर साल दिया जा रहा है, 19,20,000 हर साल दे रहा है कॉन्स्टेंटली, ग्रोथ है कि नहीं? नहीं है, ठीक है सर, ग्रोथ नहीं फॉर सेवरल इयर्स। आगे क्या लिखा, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेम डिविडेंड वुड कंटिन्यू एट दिस लेवल इन नियर फ्यूचर। मतलब आगे भी 19,20,000 ही पे होगा, ठीक है। देयर आर 12,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 12,00,000 शेयर्स है, ₹10 फेस वैल्यू, एंड द शेयर इज ट्रेडेड एट पार। दिस इज इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, शेयर इज ट्रेडेड एट पार। इसका मतलब ये हुआ कि डिविडेंड कितना है, टोटल डिविडेंड सर, डिविडेंड है 19,20,000। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स सर 12,00,000 शेयर, ठीक है। अब ये बताइए बेटे, क्या डिविडेंड पर शेयर निकल सकता है? हाँ सर, निकल जाएगा। कैलकुलेटर कहाँ है? 19,20,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 12,00,000, तो ये कितना जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाय 12,00,000, तो डिविडेंड पर शेयर आ गया ₹1.60। और शेयर का प्राइस क्या है, करंट मार्केट प्राइस को हम P0 बोलते हैं, और वो ₹10 ही है। सर कैसे पता लगा? सीधी सी बात है, उसमें लिखा हुआ है कि जो शेयर है वो ट्रेडेड एट पार है। मतलब ₹10, अगर आप ₹10 का शेयर खरीदते हो तो उस पर मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा 1.60। रिक्वायर के निकल जाएगा, यस, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगा। आगे क्या बोला, पढ़ते फिर सोचेंगे क्या करना। द कंपनी हैज अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट ₹8,00,000 इन 1 year's टाइम। सुना ध्यान से, यह है जीरो। तो बोले कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ₹8,00,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में, एज वेल एज फर्दर ₹8,00,000 इन 2 years टाइम, और दूसरे साल ₹8,00,000 और इन्वेस्ट करेंगे। एज इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोजेक्ट विल जनरेट कैश इनफ्लो ₹3,60,000 पर एनम। सुना ध्यान से, पहले साल ₹8,00,000 जाएगा, दूसरे साल ₹8,00,000 जाएगा, और तीसरे साल से हर साल आएगा ₹3,60,000 विच विल कंटिन्यू फॉर एवर। This investment is possible if dividend is reduced for next 2 years. Important है, ये investment कर सकते हो, लेकिन पैसा किसका रोक कर रख रहा है, equity shareholder का, मतलब उनका जितना भी देना है कई, वो मुझे discounting उससे करना पड़ेगा। Whether the company should accept the project, also analyze the effect on market price of share if the company decides to accept the project. सुना ध्यान से, इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके, दोनों ही तरीके डिस्कस कर। पहला तरीका, जो कि अगर मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं सिक्योरिटी एनालिसिस, तो ऐसे डिसाइड करता, अगर मैं पढ़ा रहा हूं सिक्योरिटी एनालिसिस तो मैं क्या सोचता, सुनना ध्यान से भाई, अभी 12,00,000 शेयर्स और ₹10 का एक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी कितनी, ₹120,00,000 अभी का सोचो। अब फाइनली क्या है, हम फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर है,
ये सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में हम देने वाले थे 19 लाख डिविडेंड, 19,20,000, पर उसमें से 8 लाख रुपए नहीं देंगे क्योंकि 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बताओ बेटे कितना रुपए डिविडेंड दे देंगे? 19,20,000 माइनस 8 लाख, तो फर्स्ट ईयर में 11,20,000 डिविडेंड मिलेगा। सेकंड ईयर में भी 19,20,000 देने वाले थे पर 8 लाख रुपए तो हम नहीं देंगे, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना मिलेगा? 11,20,000। और थर्ड ईयर और उसके बाद हम थर्ड ईयर से 19,20,000 तो ये कमाएंगे ही कमाएंगे, प्लस 3,60,000 और कमाएंगे, तो 19,20,000 प्लस 3,60,000, तो हम टोटल कमाएंगे 22,80,000 पर एनम फॉर ईयर। ये पहले साल डिविडेंड मिलेगा, ये दूसरे साल मिलेगा और ये तीसरे साल उसके बाद, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसका प्रेजेंट वैल्यू कहां तक निकालेंगे? यहां तक, और इसके बाद हम काम करेंगे। ठीक है जी, पर सर केई कितना? तो केई कितना निकाला जाएगा? बोलो बेटे डिविडेंड कितना दिया जा रहा है? 1.6, और शेयर का प्राइस कितना है? 10 × 100, तो केई कितना? 16%। तो इसको सबसे पहले हम डिस्काउंटिंग करेंगे 16%, क्योंकि परपेचुअल है थर्ड ईयर से। 22,80,000 डिवाइडेड बाय 16%, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू यहां तक के लिए आ गया, कितना आया? 142,50,000, 122,50,000 प्लस 11,20,000, तो ये वैल्यू आ गया 153,70,000। ठीक है, अब क्या है? बस मुझे यहां का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और इसका भी यहां। इसको डिवाइड किससे करेंगे? 1.16 पावर 1, इसको डिवाइड किससे करेंगे? 1.16 पावर 2, तो प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी डिवाइडेड बाय 1.16 इक्वल टू एम प्लस 153,70,000 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी, तो यहां की वैल्यू आ गई प्रेजेंट वैल्यू 123,128,79,31। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी आ गए। डिवाइड किससे कर देंगे? नंबर ऑफ शेयर्स 12 लाख, तो शेयर की वैल्यू कितनी आ गई? 30.32। तो बताओ बेटे हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर शेयर की प्राइस पहले जितनी थी, पहले कितनी थी? 10 रुपए, अब कितनी है? 10 रुपए 32 पैसे, तो इंक्रीज इन प्राइस बाय रुपीस 0.32, 32 पैसे से बढ़ रहा है, हेंस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। अगर मैं पढ़ा रहा हूं सिक्योरिटी एनालिसिस तो मैं क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करता, लेकिन बात किसकी है? कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में ऐसे नहीं होगा। ठीक है सर, तो कैपिटल बस्टिंग में कैसे होगा? अगर मैं इसको कैपिटल बस्टिंग की तरह स्टार्ट करूं, कैपिटल बस्टिंग, तो कैपिटल बस्टिंग का तो बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, एनपीवी इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। बोलो बेटे थर्ड ईयर का कैश फ्लो निकाल सकते हो क्या? यस, थर्ड ईयर कैश फ्लो। इसको भी अच्छे से समझा दो, ज्यादा अच्छा। कैपिटल बस्टिंग सिंपल सा, बोले पहले साल में कितना जा रहा है? सर 8 लाख जा रहा है। ओके, दूसरे साल कितना जा रहा है? सर ये भी 8 लाख जा रहा है। ओके,
तीसरे साल कुछ नहीं जा रहा, आएगा 360,000 पर एनम फॉर एवर तीसरे साल से। तो इसका सबसे पहले सेकेंड ईयर का कैश फ्लो इसको हम यहां लेके आते हैं, कैसे आ सकते हैं, 360,000 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे 16%, तो यहां आ गया प्रेजेंट वैल्यू कितना 22,50,000। अब बताओ पहले साल कितना, 8,00,000 गया, लेकिन आया आपको आया 14,50,000। अब बस प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब डिवाइडेड बाय 1.16 पावर 2, एनपीवी निकल जाएगा सीधा सीधा, ये एनपीवी निकल जाएगा 8,00,000 डिवाइडेड बाय 1.16 इक्वल टू एम माइनस 14,50,000, दो बार इक्वल टू एम प्लस एम आर सी, तो एनपीवी आ गया बेटे 38,79,31। अगर एनपीवी क्या है पॉजिटिव, तो प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट। वैल्यू कितने से बढ़ गई है बताओ, तो एक्स्ट्रा एनपीवी का मतलब एक्स्ट्रा वेल्थ, इंक्रीज इन प्राइस, इतना कमा रहा है एक्स्ट्रा 387,931 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने 12,00,000, तो बेटे ये वैल्यू बढ़ी ₹0.32 पर शेयर। सिंपल, आप ऐसे भी कर सकते हो आपकी नजर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 47 DEF लिमिटेड वाला, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है जी। हाँ, कुछ क्वेश्चन बेटे इसमें और एक बात है, ऑप्शंस के भी, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, इट मींस अब जो क्वेश्चन कर रहे हो वो हम बाइनोमियल मॉडल के हिसाब से कर रहे हो। सर इसमें बाइनोमियल कहां से आ गया, यही तो दिक्कत है कैलकुलेशन। तो लिखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल, ऑन द बेसिस ऑफ बाइनोमियल। सर इसका कोई कॉन्सेप्ट, बेटे कॉन्सेप्ट तो मैंने डेरिवेटिव में करवा चुका हूं, सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 49, पेज नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 49 पेज नंबर 19, ठीक है। बोले राम केमिकल इज इन प्रोडक्शन लाइन of chemicals and considering a proposal of building new plant to produce pesticides, ठीक है भाई, pesticide बनाना new chemical line में जा रहा, ठीक है। Present value of new proposal है 150 crore, सुना ध्यान से, binomial बोला है, after considering scrap value, तो बेटे सीधी सी बात है आज proposal की value 150 crore। Since this is a new product market, survey indicate falling variation in present value. Survey बोलता है कि भाई variation हो सकता है. Condition favorable in first year, अगर condition favorable रही, तो बोले 30% from original estimated condition. 30% ज्यादा रहेगा value. 30% ज्यादा रहेगा मतलब कितना आएगा बेटे बता सकते, 150 plus 30%. वैल्यू 195 भी रहेगा, जो प्रपोजल में आप पैसा लगा रहे हो आज उसकी वैल्यू 150 करोड़, पर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वैल्यू एक साल बाद 195 करोड़ हो जाए। अच्छा, स्लगिश रहेगा इन फर्स्ट ईयर, प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज, अगर बुरा रहा
तो प्रेजेंट वैल्यू प्रपोजल की वैल्यू कम भी हो सकती है। कितनी हो सकती है? बोला 40% से कम कर देना, 90 करोड़। ठीक, 195 भी हो सकता, 190 भी हो सकता। आगे, इन एडिशन रामा केमिकल हैज ऑप्शन टू अबंडनमेंट द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1। बोले देखो फर्स्ट ईयर में, अभी तो हम 105 प्रोजेक्ट में पैसा लगा देते, फर्स्ट ईयर में हम प्रोजेक्ट को बेच देंगे, टेंशन खत्म ना यार, अगर बुरा रहा ना तो खत्म कर देंगे, अच्छा रहा तो बहुत अच्छी बात। और कितने में? 100 करोड़ में। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम 100 करोड़ में प्रोजेक्ट को अबंडनमेंट कर सकते, बंद कर सकते। सर अगर वैल्यू रहा ये रही तो मैं पागल थोड़ी ना हुआ, फिर तो मैं ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं करूंगा। देखा जाए तो यहां 0, सर ये तो पुट ऑप्शन की जरा हो गया, हाँ पे ऑफ। पर अगर 90 करोड़ हुआ तो मैं जानता हूं मेरे पास एक अबंडनमेंट का ऑप्शन है और जिसमें मुझे 10 करोड़ का फायदा हो जाएगा। फिर से बढ़ाऊ, इन एडिशन रामा केमिकल हैज ऑप्शन टू अबंडनमेंट द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1, डिस्पोज ऑफ ₹100 करोड़, RF दे रखा 8%, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू पुट ऑप्शन, अंडरलाइन करो पुट ऑप्शन। वैल्यू ऑफ पुट निकालते थे आप बाइनोमियल में, वही कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ पुट। तो चलो स्टार्ट करें। हाँ सर, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड नोटेशन लिखते थे, स्टेप नंबर 1 गिवन करके लिखते थे, कैसे लिखते थे गिवन बेटे? सबसे पहले लिखते थे एस 0, 150, उसके बाद क्या लिखते थे हम आर 1.08, उसके बाद यू 195 डिवाइडेड बाय 150, उसके बाद क्या लिखते थे डी 90 डिवाइडेड बाय 150। तो 195 डिवाइडेड बाय 150 0.6। ठीक है, ये काम हो जाता था। सर उसके बाद क्या होता था? उसके बाद होता था स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 में क्या निकालते थे हम? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, याद है, ऐसा कर देते P इज इक्वल टू R माइनस D U माइनस D। R कितना है 1.08, D कितना है 0.6 डिवाइडेड बाय 1.30 माइनस 0.6 1.08 माइनस 0.6 ऐसा पहले 1.30 माइनस 0.6 M प्लस 1.08 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू, तो ये आ गया 0.6857। ठीक है, तो अगर अपर प्राइस की लोअर प्राइस की प्रोबेबिलिटी निकालना तो वो भी निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करते थे हम लोग? स्टेप नंबर 3, वैल्यू आउटपुट, और वैल्यू ऑफ पुट का मतलब P0। अच्छा, इसको क्या नाम देते थे हम? PU। इसको क्या नाम देते थे? PD। PU इंटू P प्लस PD इंटू 1 माइनस P डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। अपर हुआ, अप हुआ तो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी कितना है 0.6857 प्लस, डाउन हुआ तो कितने का पे ऑफ है 10 इंटू 1 माइनस 0.6857 डिवाइडेड किससे करेंगे हम 1.08। आर लिख लेते थे, ऐसा नहीं, आर तो 10 1 माइनस 0.6857 याद है ना, यहां की प्रोबेबिलिटी लिखते थे 0.6857।
तो यहां की आ जाती थी 1 - 0.6857 तो यहां की आ जाती थी 0.3143 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1.08। तो आंसर आ गया रुपीस 2.910 करोड़। ठीक है, 910 कर सकते हैं, 907 कर सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा सा अंतर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 49। हालांकि पूरा की पूरा डेरिवेटिव था, बॉय ने मिला ऑप्शन था कि हम जो अगर मेरे लिए मुझे कोई ऑप्शन मिल जाए, काश कोई मुझे बोले कि भैया आप बेच देना 100 करोड़ का, तो मुझे मैं उसके लिए प्रीमियम कितना दे सकता हूँ, वही चीज निकाला कि उसके लिए मेरे लिए वैल्यू क्या है। अबंडनमेंट करने की वैल्यू 2.910 करोड़। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 49। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। और अब बना रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, पेज नंबर 18। रमेश ओन्स अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच ही इंटेंड टू कंस्ट्रक्ट अपार्टमेंट यूनिट फर्स्ट। बोले रमेश के पास ना खाली प्लॉट लैंड्स, और लैंड जो है ना उसपे वो अपार्टमेंट्स बनाना चाहता और उसको बेचना चाहता है। नंबर ऑफ अपार्टमेंट यूनिट टू बी कंस्ट्रक्टेड मे बी आइदर 10 or 15। नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स या तो 10 बना सकते हो या 15 भी बना सकते हो, लैंड है आपके पास बना सकते हो। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर दीज अल्टरनेटिव्स आर एस्टिमेटेड टू बी, बनाओगे तो बनाने का खर्चा भी तो आएगा। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आप 10 अपार्टमेंट बनाते हो तो टोटल खर्चा आ रहा है, टोटल पूरे 10 का मिलाकर 600 लाख। और सर 15 बनाते हैं तो टोटल खर्चा आ रहा है 1000, ज्यादा बना रहे तो भाई ज्यादा खर्चा आएगा 1025 लाख, और 10 बनाते हैं तो 600 लाख का खर्चा आ रहा है। करंट मार्केट प्राइस फॉर ईच अपार्टमेंट, और अभी बनाकर अभी बेचोगे तो एक अपार्टमेंट 80 लाख रुपए का बिकेगा, इट मींस करंट मार्केट। सर अगर 10 बनाते हैं तो 10 अपार्टमेंट 80 लाख रुपए का एक, तो 800 लाख रुपए आ जाएगा। अगर 15 बनाते तो भी कितने, 15 × 80 लाख, 15 भी बनाओगे तो 80 लाख का बिकेगा ना, तो कितने का 15 × 80, 1200 लाख रुपए का बिकेगा। तो बताओ बेटे इसमें कितना कमा लेंगे, इसमें कितना ऐसे निकाल ले, सर इसमें तो 200 लाख रुपए कमाएंगे अगर हम 10 बनाते हैं, और बेटे 15 बनाते हो तो 1200 - 1025, तो 175 लाख ही कमाएंगे। तो अगर मुझे अभी बनाना है अपार्टमेंट्स तो कितना बनाऊं, सोच के बताओ ना, कॉमन सेंस से कुछ भी नहीं। 15 बनाता हूं तो बहुत ज्यादा नहीं कमा रहा हूं, कितना कमा रहा हूं 175 लाख, जबकि 10 बनाता हूं तो 200 लाख रुपए कमा रहा हूं, क्या ज्यादा अच्छा है। सर 10 ही बनाओ, अभी बनाना तो बात खत्म करो। तो भाई मेरे लिए विचेवर इज यू हायर, 200 लाख रुपए 10 बनाता हूं, 10 बनाने में ही फायदा है। यहां तक बात समझ रही, अगर कोई मुझसे बोले अभी बनाना ही आपको तो बताओ कितना बनाएंगे, कहेंगे 10 बनाएंगे, क्योंकि 10 से हमको 200 लाख रुपए कमाएंगे। अब क्वेश्चन आगे और है, बोले मान लो हम अभी 10 भी नहीं बनाते, हम बनाते ही नहीं,
हम एक साल रुक जाते और एक साल बाद बनाते, ये बताया। आगे द मार्केट प्राइस आफ्टर अ ईयर फॉर अपार्टमेंट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ मार्केट। इफ द मार्केट इज बाय ईच अपार्टमेंट यू विल बी, अच्छा अभी बेच नहीं रहे, बना भी लगे, बेचना भी नहीं, आप दस भी, अब मैं सोच रहा हूं एक काम करता हूं, अभी मैं ये कॉस्ट, ये जो है ना मार्केट प्राइस, इसको इग्नोर करता हूं, मैं अभी डिसाइड ही नहीं करता हूं कि दस, वैसे तो दिख रहा अभी बनाओ तो दस बनाओ, पर मैं ये सोच के देख रहा हूं, मान लो अभी बनाता हूं और बेचता एक साल बाद, अभी दोनों सोच के देखता हूं, दस बनाऊंगा तो क्या होगा, पंद्रह बनाता हूं क्या होता, और एक साल बाद बेचता हूं तो क्या होगा, सोच के देखते हैं। द मार्केट प्राइस आफ्टर ईयर फॉर अपार्टमेंट विल डिपेंड अपन द कंडीशन ऑफ मार्केट। इफ द मार्केट इज बायोंट ईच अपार्टमेंट विल बी सोल्ड फॉर 91 lakhs। इफ इट इज स्लगिश द सेल प्राइस फॉर द सेम विल बी 75 lakhs। बोले अब भाई आपके साथ दिक्कत है, देखना है कि मार्केट अच्छा है या खराब है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपका अपार्टमेंट 91 लैक्स का बिकेगा, अगर मार्केट खराब रहा तो आपका अपार्टमेंट 75 लैक्स का बिकेगा। ठीक है बेटे, अब ये काम की चीज आप तो बनी, अब वो डिपेंड करता है मार्केट, मार्केट क्या क्या हो सकता है, पहले तो बायोंट बता रखा, गुड कंडीशन, ठीक है, कितने अपार्टमेंट बना सकते हो सर, 10 भी हो सकते 15 भी हो सकते, अभी हम अभी नहीं सोच रहे, ठीक है, मान लो अगर हम 10 बनाते, मान लो अगर हम 15 बना लेते, अगर 10 बनाते तो 91 के हिसाब से बिकता सर 91 लैक्स का एक, अगर 10 बनाते तो यहां आता 910 लाख और अगर सर 15 बनाते तो 1365 लाख, कॉस्ट तो उतना ही लगता, कोई बात ही नहीं, कॉस्ट कितना लगता, यहां 600 लाख लगता और यहां 1025 लाख। अगर हम एक साल बाद बेचते तो बताओ प्रॉफिट कितना होता, 910 माइनस 600, 310 लाख का प्रॉफिट हो जाता, 1365 माइनस 1025 या 340 लाख का प्रॉफिट हो जाता। तो सर जिसमें प्रॉफिट, अगर मुझे एक साल बाद रुकना है और मुझे लग रहा है कि मार्केट अच्छा रहेगा तो फिर हम 15 अपार्टमेंट ही बनाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर उल्टा होता मार्केट क्या होता, स्लगिश फिर सोच के देखते कि यार किसमें ज्यादा फायदा होता, 10, 15 सेल्स कितने का एक, 80 लाख का एक, तो यहां कितना आ जाता, 800 लाख और यहां कितना आ जाता, 1200 लाख, माइनस क्या करूंगा, कॉस्ट तो उतना ही रहेगा 600 और यहाँ 1025, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का होता, 200, 1200 माइनस 1025, यहाँ प्रॉफिट कितना, 175, ये तो उतना ही आ गया, 80 है कि कुछ और, 75 है भाई, गलती हो गई, एक बार कंफर्म कर लो, हाँ 75 लाख, 750 होता, 1125, तो यहां कितना कमाते है, 150, यहां 1125 माइनस 1025, यहां कितना कमाते है, 100। सर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक साल बाद खराब होने वाला है तो आप 10 ही बनाओ, 150 तो कमाओगे,
पर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट अच्छा होने वाला 340, तो क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर बढ़ा तो 340 का फायदा, ग्रॉस पे ऑफ बोलते हैं। अगर कम हुआ तो ये वाला 150 का फायदा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहा हूं और उस एक्सपेक्टेड वैल्यू का फिर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा और फिर इससे कंपैरिजन कर लूंगा कि मुझे अभी आगे और पढ़ा क्या बोला। डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड। अगर हम प्लॉट को, लैंड को खाली रखते एक साल, तो उसकी वैल्यू क्या, बस ये डिसाइड करना। शुड रमेश स्टार्ट कंस्ट्रक्शन नाउ और कीप द लैंड वैकेंट। खाली रखना है मतलब एक्सपेक्टेड कितना कमा रहे हो। अगर एक्सपेक्टेड कमाते हैं हम किससे, 200 लाख से ज्यादा, तो खाली रखो भाई। सुनो मेरे बात, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बताओ कब फायदा ज्यादा ज्यादा कमाओगे, आज बनाने से ज्यादा फायदा हो रहा है कि एक साल बाद बेचने, लैंड खाली रखी एक साल बाद बनाकर बेची तो ज्यादा फायदा हो रहा है, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन बस इतना है, आज बेचे कि एक साल बाद बेचे। आज बेचोगे तो 10 बना के बेच देंगे 200, एक साल बाद ये तो एक्सपेक्टेड है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 340 का भी फायदा हो सकता है, 150, तो उसका मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू है। और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी किससे निकालोगे, बायनोमियल, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे और एक लिखा, द ईयरली रेंटल पर अपार्टमेंट यूनिट इज ₹7 लाख एंड द रिस्क। अगर आपने अपार्टमेंट आज बना लिया और एक साल बाद बेचना है तो उससे हर साल का रेंट भी मिलेगा कितने रुपए, 7 लाख, ये बता रहा हूं। अब सुनो, यहां मैंने कहा ना कुछ थोड़ा सा डिस्प्यूट है, अब मुझे चाहिए अभी एक बार, अभी बनाने से अगर मैं अभी बना लेता हूं तो कितने का फायदा दिख रहा है, 200 लाख या 200 लाख। ठीक है, इफ कंस्ट्रक्ट नाउ, अब अभी अपार्टमेंट कितने का, चलो देखते हैं। अभी है अपार्टमेंट की कीमत 80 लाख, 80 लाख। एक साल बाद कितना हो सकता है सर, 91 लाख एक अपार्टमेंट का निकाल रहा हूं, या फिर कितना हो सकता है, 75 लाख। हाँ, हर अपार्टमेंट पे 7 लाख ये भी तो कमाओगे, तो वो भी तो कंसीडर करना आपको, तो दोनों को जोड़ दो, 98 लाख। अभी क्या निकालना पड़ेगा, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, और देखो कितना, 1.10 यू 98 डिवाइडेड बाय 80, 1.225 टी, बस काम खत्म, तैयार हूं, ये काम हो गया। तो अब क्या निकालेंगे, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। और आपको निकालना आता है P = R - D U - D। R कितना है, 1.10, D कितना है, 1.025 minus 1.025 and plus 1.10 minus 1.025 divided by MRC equal to
तो ये आ गया बेटा P 0.375 माइनस 1, तो ये आ गया 0.625। प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब क्या निकालेंगे? अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है। अब निकाल रहा हूं मैं वैल्यू ऑफ वैकेंट लैंड। अगर बढ़ता है मार्केट 98 हो जाता है, 91 हो जाता है, तो हम कितना बनाएंगे? 15, मतलब कितने का प्रॉफिट होगा? 340। और इस प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.375। अगर कम होता है 75 होता है तो कितना बनाएंगे? 10, मतलब उससे ग्रॉस पे ऑफ कितना जाएगा? 150। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.625 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे? 1.010 से, तो 340 इंटू 0.375 एम प्लस 150 इंटू 0.625 एम प्लस एमआरसी डिवाइडेड बाय 1.1, तो आंसर आ गया रुपीस 201.136 लाख। रिस्क है कि नहीं है? नहीं है। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, मतलब सर हम पक्का कमाएंगे 201 लाख, और जबकि अभी कंस्ट्रक्ट कर लेते तो 200 लाख, क्या करें? तो लिखोगे सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वैकेंट लैंड इज रुपीस 201.136 लाख, That is more than if construct today. क्योंकि प्रॉफिट कितना है अगर अभी कंस्ट्रक्ट कर सकते? 200 लाख। Hence it is better to keep the land vacant. मुश्किल क्वेश्चन है, डिस्प्यूटेड है, कई जगह आपको भी प्रॉब्लम होगी। जैसे यहां मेरे हिसाब से भाई आप सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू क्यों ले रहे हो? फिर तो आपको 7 करोड़ भी ऐड करना चाहिए, पर मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। पीएम में ऐसी सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे। थैंक यू। तो बेटे स्पेशल क्वेश्चंस चल रहा है। एक्चुअली स्पेशल क्वेश्चंस में अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर 20। लिखा A manufacturing unit engaged in the production of automobile part is considering a proposal of purchase of one of the two plants. Mutually exclusive होगा, दोनों में से कोई एक प्लांट को खरीदना है। प्लांट ए प्लांट बी, कॉस्ट 20 लाख, इधर 38 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेस, मतलब वो कॉस्ट कैपिटलाइज होगा, कॉस्ट में एड कर देंगे 24 लाख। मतलब 20 लाख ये है प्लांट का कॉस्ट और इंस्टॉलेशन चार्जेस है 2 लाख, तो सॉरी 4 लाख, तो ये 24 लाख हो जाएगा। इसी तरह से ये 40 लाख हो जाएगा। लाइफ है 20 इयर्स एंड 15 इयर्स। 15 इयर्स इसका मतलब इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। स्क्रैप वैल्यू आफ्टर फुल लाइफ 4 लाख, 4 लाख। आउटपुट पर यूनिट 200, पर मिनट एक मिनट में कितना आउटपुट होता है? 200 और 400, ठीक। 200 यूनिट बनता है एक मिनट में। द एनुअल कॉस्ट ऑफ टू प्लांट्स आर एज फॉलोस। प्लांट ए
एक साल में 2500 घंटे चलेगा, उससे यूनिट्स निकल जाएगा, ठीक है, प्लांट भी, ये भी 2500 घंटे चलेगा। कॉस्ट में वेजेस है हर साल का, इनडायरेक्ट मटेरियल्स है, रिपेयर्स है, पावर है, फिक्स्ड कॉस्ट है। विल इट बी एडवांटेजेस टू बाय प्लांट ए अ प्लांट बी, दोनों में से कौन सा प्लांट खरीदना है। सब्सटेंशिएट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्लांट, तो एनुअल कॉस्ट निकालेंगे और डिवाइडेड बाय यूनिट से कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, मेक अदर रेलिवेंट एजम्पशन। नोट, 10% इंटरेस्ट टेबल 20 ईयर एंड 15 ईयर्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1.1486 एंड 0.2394। 10% के हिसाब से फैक्टर दे रखा है, 20वें साल का फैक्टर है 0.1486 और 15th ईयर का फैक्टर है 0.2394, एनओडी ऑफ रुपीज 1। रिकवरी, कैपिटल रिकवरी फैक्टर विद 10%, सर ये क्या चक्कर है, पता नहीं, पढ़ लेता हूं, 0.1175 एंड 0.1315। सुनो भाई, सीधी सी बात है, हमको क्या निकालना, हमको निकालना इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, ठीक है सर, मतलब कैसा आउटफ्लो के बेसिस पे डिसीजन देना। यस, तो चलो काम करें। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो वो निकाल लेते, किस किस का प्लांट ए और किसकी बात है प्लांट। चलो भाई, कैश आउटफ्लो पहले तो ये हर साल का दिया हुआ कैश आउटफ्लो, टैक्स का चक्कर ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन का कोई बात ही नहीं होगा, ठीक है, तो इन सबको भी जोड़ लेते हैं। तो सुनो, पहले एक काम करते हैं, बताओ ये कितने का आ रहा, कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट 24 लाख जोड़ दिया और ये 38 + 2 = 40 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, तो आज ही जा रहा है। ओके, अब इसके अलावा एनुअल कॉस्ट ले रहा हूं मैं, एनुअल कॉस्ट, ठीक से समझना मैं क्या करने वाला, क्या क्या है बेटे, वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, रिपेयर, पावर और फिक्स कॉस्ट, इन सब को जोड़ लेते। मैं आप यहां लिख रहा हूं वहां वाला टॉपिक लोगे, इसका मतलब एनुअल कॉस्ट में मैं क्या जोड़ूंगा, 1 लाख, ठीक है जी, वेजेस का, इनडायरेक्ट मटेरियल का 4,80,000, ठीक है, रिपेयर्स का, रिपेयर्स का सर 80,000, बहुत अच्छे, इसके बाद पावर 2,40,000, इसके बाद फिक्स कॉस्ट 60। तो 1,04,80,000 + 80,000 + 2,40,000 + 60,000 पर ये कॉस्ट तो एक साल का है, 9,60,000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, PVAF, ये जो पीरियड है प्लांट ए उसका कितना लाइफ है 20 इयर्स, और डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना, कितने साल का 20 इयर्स, और डिस्काउंटिंग रेट कब का, 10% का, तो 1/1.10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जीटी, तो ये आ गया 8.5136 ले लेता, इधर लिख, ठीक है, 1/0.85
कितना आया था बेटे 85106 ये आया था ना 8.5106 ले लेता। एक बार फिर भी देख लो 1 / 1.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अच्छा कुछ थोड़ा सा अंतर आ रहा है 8.5136 ठीक है। तो 960,000 इंटू 8.5136 तो ये आ गया 8173056। सर ऐसे इसका भी जोड़ लेते कि बिल्कुल इसका भी जोड़ लेते कितना हो रहा है एनुअल कॉस्ट 1,40,000 वेजेस। सर कहां जोड़ोगे यहां जोड़ लेते 1,40,000 वेजेस प्लस 6,00,000 इनडायरेक्ट मटेरियल का प्लस 1,00,000 प्लस 2,80,000 प्लस 80,000 तो बताओ बेटे टोटल एनुअल कॉस्ट कितना है 1,40,000 प्लस 6,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,80,000 प्लस 80,000 ये आ गया 12,00,000। और पर यहां मुझे फैक्टर PVAF लेना है कितने इयर्स का 15 इयर्स का परसेंटेज कितना रहेगा 10 इयर्स 1 / 1.10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो ये आ गया 7.6061 तो 12,00,000 इंटू 7.6061 तो ये आ गया 9,127,320। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्लांट जो आज खर्चा होगा ये 20 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया ये 15 साल का जो कैश फ्लो आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। अब और एक चीज बची और क्या बची है सैलरीज। प्लांट ए का सैलरीज कितना दे रखा 4,00,000 और आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन से ईयर का 20 इयर्स रेट कितना 10% वो शायद दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो अच्छे से। हाँ सर 0.1486 4,00,000 इंटू 0.1486 तो ये आ गया 59,440 लेकिन ये माइनस होगा ठीक है। ऐसे इसका भी सैलवेज देख लेते हैं चेक करो कितना है सैलवेज बेटे 4,00,000 इसका भी है 4,00,000 लेकिन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना पर 15 इयर्स का लेना 10% के हिसाब से फैक्टर शायद ये भी दिया हुआ है फैक्टर 0.2394 4,00,000 इंटू 0.2394 तो ये आ गया 95,760। अब ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो 24,00,000 प्लस 8,173,056 माइनस 59,440 तो ये आ गया 1,051,3616 40,00,000 प्लस 9,127,320 माइनस 95,760 ये 1,30,31,560 इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब चूंकि इसका है 20 साल लाइफ और इसका है 15 साल लाइफ तो हमें इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा इसलिए डिवाइडेड बाय किससे करते हैं प्रेजेंट वैल्यू एनुअली फैक्टर यहां डिवाइड किससे करेंगे 8.5136 और यहां किससे डिवाइड होगा 7.6061 तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसीओ एक साल का एनुअल मतलब एक साल का 1,051,3616 डिवाइडेड बाय 8.5136 तो ये आ गया 1,23
4920 अप्रोक्स, ये आ गया 1303 1560 डिवाइडेड बाय 7.6061 1713304 ये आया। पर आपको यूनिट्स निकालना पड़ेगा ना, एक साल में कितना यूनिट्स, तो डिवाइडेड बाय यूनिट्स एनुअल प्रोडक्शन, यूनिट्स ने इसको बोलता एनुअल प्रोडक्शन बोलते, अच्छा एनुअल प्रोडक्शन उसका ये कहना। अब देखो एनुअल प्रोडक्शन ठीक से समझो, जैसे मशीन ए है, तो मशीन ए में 2500 घंटे चलेगी, और एक घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट, और एक मिनट में तो ये मिनट आ जाएगा, और एक मिनट में कितना यूनिट बना रहे हो 200, तो ये प्रोडक्शन आ जाएगा 2500 × 60 × 200 तो ये आ गया 300 लाख यूनिट्स। ऐसे किसकी बात कर लेते हैं मशीन बी, मशीन बी भी कितने घंटे चलेगी 2500 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू एक मिनट में यहां 400 यूनिट से बना रहा है, 2500 × 60 × 400 तो आ जाएगा 600 लाख यूनिट्स। तो क्या कॉस्ट पर यूनिट निकल सकता है, यस 1234920 डिवाइडेड बाय 300 लाख, ये आ गया 0.04114 171 3304 डिवाइडेड बाय 600 लाख, और ये आया 0.02855। बताइए बेटे तो कौन सी मशीन खरीदोगे, अगर मैं कहूं कि हम खरीदेंगे मशीन ये वाली, क्योंकि यहां एनुअल सॉरी कॉस्ट पर यूनिट कम आ रहा तो हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। क्वेश्चन खत्म हो चुका, क्वेश्चन में कुछ बात नहीं थी, लेकिन 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 कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूं और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगले क्वेश्चन भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात। अब देखो बेटी उसने क्या चाल चला, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको यूज करके मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझ। सर 24 लाख ओके, और ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। सर आपने इस दोनों को ऐड किया, ये कहां से आया, इससे मल्टीप्लाई करके, अल्टीमेटली जो भी आया फिर आपने डिवाइड कर दिया इसी से, बात समझने की कोशिश करो। सर एक टेक्निक है, अब टेक्निक क्या समझना, मैं प्लांट एक ही में बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो, हम इधर 960000 लिखे, कोई दिक्कत है सर आपको, भाई क्यों, मुझे तो सर देखो ना आप एनुअल निकाल रहे हो ना, हम एनुअल ही निकालेंगे, तरीका देखना, आपने मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर दिया, तो भाई आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर ही क्यों रहे, आप सीधा 9 लाख लिखो, ठीक है जी। तो अब बचा क्या, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, मतलब अब ये भी इससे डिवाइड हुआ था, ये भी इससे डिवाइड हुआ था, ये भी इससे डिवाइड हुआ था, तो सर एक काम करते हैं, ये 24 लाख और ये 5, इन दोनों को पहले एडजस्ट कर लेते तो फिर डिवाइड कर लेते, दिक्कत क्या है, ऐसा भी कर सकते हैं। इसका मतलब मैं इस तरह से काम कर सकता हूं, 24 लाख माइनस क्या कर दूं इसमें से 59440 देखते कितना है, 2340560 एग्री। अब बस एक ही काम बचा हुआ है, क्या इससे हमको डिवाइड करना है, अब सुनना ध्यान से, मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो यह एनुअल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8.5136 ठीक है,
अल्टरनेटिव इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, इंटू वन डिवाइडेड बाय 8.5136। कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा सर, पड़ रहा है। ऐसा कर क्यों रहे हो बेटे? अगर आप वन को इससे डिवाइड करोगे तो कोई फैक्टर भी आ सकता है। हाँ, वन डिवाइडेड बाय 8.5136 तो यह 0.1175। बेटे इसका आंसर यह 0.1175, इसी को आप रिकवरी रेट बोलते हो। जो कैपिटल है उसका रिकवरी रेट बोलते हो। आप इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करो सर, ये समझाने की क्या जरूरत है? ठीक है ना, डिवाइड करके यहां लिख देंगे तो आंसर तो यही आ जाएगा फाइनली। हाँ बेटे, हाँ बिल्कुल यही आंसर आने वाला है, पर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया मैं उसको यूज करना चाहता हूं। चेक कीजिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कैपिटल रिकवरी रेट लिखा हुआ, कैपिटल रिकवरी फैक्टर। हाँ सर, लिखा तो है 0.1175। बस मैं यही करना कहना चाहता हूं कि क्यों ना मैं सीधा जो है उसको यहां मल्टीप्लाई कर दूं 0.1175। बात तो वही है ना, मैं इक्विवेलेंट ही निकाल रहा हूं। एनुअल 2340560 इंटू 0.1175 तो ये आ गया 2750 1516। अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे प्लस 960,000 तो आंसर आ गया 1235016। सर ये तो थोड़ा सा बेटे थोड़ा सा अंतर आएगा, उसकी वजह से ये रिकवरी फैक्टर। अब फिर उसके बाद वापस इसी से डिवाइड कर लेना फिर आंसर। बस आप समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन और एक तरीके से सॉल्व हो सकता है, और वो तरीका क्या है मैंने आपको ये समझाया। इट मीन्स मैं इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकता था, इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से सॉल्व कर सकता था। कैलकुलेशन ऑफ पीवीसी मैं क्या करता, इधर ए लिखता इधर बी लिखता। ओके सर, फिर क्या करते, फिर मैं सीधा क्या लिखता, जैसे उसमें लिखा कॉस्ट ऑफ प्लांट, यहां कितना आता 24,00,000 और यहां कितना आता 40,00,000। इसमें से मैं माइनस कर देता प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सॉल्वेंस, क्योंकि ये एनुअल नहीं है, ये शुरू में लग रहा है लास्ट में आ रहा है, और सॉल्वेंस का प्रेजेंट वैल्यू इतना ही लेता जितना लिया है 59440 और ये ले लेता 95760 और फिर इसको मैं माइनस कर देता तो 24,00,000 माइनस 59400 तो ये आ जाता 2340600 40,00,000 माइनस 95760 तो ये आता 3904। ठीक है, अब क्या होता, ये एनुअल नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर देता किससे, कैपिटल रिकवरी फैक्टर। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा, इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ये मैं आपको समझा चुका हूं, कैपिटल रिकवरी फैक्टर। और कैपिटल रिकवरी फैक्टर चूंकि पुस्तक में बुक में दिया हुआ है, क्या क्या दिया है 0.1175 और इधर क्या दिया है चेक करो 0.1315। सब 0.1315 क्या है, यही है जो जिससे आप डिवाइड कर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इक्विवेलेंट आ जाता 2340600 इनटू 0.1175 तो ये आ जाता 275020 और 3904240 इनटू 0.1315 तो ये आता 513407। ये तो इसका निकला, इसके अलावा मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट ले लेता एनुअल वाला जो मैंने निकाल के रखा था, इसको मैं फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करता, ये पूरा की पूरा ना, क्योंकि ये तो एनुअल निकल गया तो इसको भी मैं एनुअल कर लेता 960,000 और इधर का कितना आ रहा है यार, इधर का कितना था 12,00,000 और इनको जोड़ता 275,020 प्लस 960,000 तो यह था 1235020
513407 प्लस 12 लाख दिया जाता 13407 ये निकल जाता फाइनली। और उसके बाद तो जैसा कर रहे हैं कर, इसका मतलब ये जल्दी से सॉल्व हो जाता। लॉजिक मैंने समझा दी, अगर क्वेश्चन में कुछ रिकवरी फैक्टर वगैरह नहीं दिया तो मैं ऐसे सॉल्व कर लेता, रिकवरी फैक्टर दिया इसलिए मैं ऐसे सॉल्व कर लेता। ठीक है, तो कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे? सर प्रोजेक्ट बी करेंगे, क्यों? क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट कम आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट बी शुड बी। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 51। अब आ जाते हैं अच्छे क्वेश्चन पे, इससे भी बड़ा क्वेश्चन, और उस वो तो कॉस्ट का क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। चाहो तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देना, बड़ा क्वेश्चन है, धीरे धीरे काम करना पड़ेगा, एकदम से सारा काम नहीं हो सकता, बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ के काम करना, पढ़ने में टाइम लगेगा बस। तैयार हो बेटे? क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं 50, पेज नंबर 90। यहां मैं बनाऊंगा पिक्चर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बनाएंगे हम इस तरफ। ओके जी सर, तो चलो पढ़ते हैं। द म्यूनिशियल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अ सिटी विथ मास पॉपुलेशन इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर, फ्लाईओवर बनाना है, दैट विल रिप्लेस अ इंटरसेक्शन ऑफ टू बिजी हाईवे एक्स एंड वाई। तो सुनो बेटे, प्रॉब्लम है कि दो हाईवे है, ये लो भाई, ये एक रोड जा रहा है और इसका नाम, नाम तो रखना पड़ेगा, इस हाईवे का नाम है एक्स और एक रोड ये जा रहा है, और इस हाईवे का नाम सर क्या है, इस हाईवे का नाम है वाई। प्रॉब्लम ये है यहां, यहां ना हालांकि रेड लाइट लगा हुआ है, सब कुछ है, पर प्रॉब्लम सिग्नल लगा हुआ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, बहुत सारी गाड़ियों को रुकना पड़ता, क्या क्या हो सकता है, जरा सोचते हैं कि आप हाईवे पे क्या क्या हो सकता है सर। एक तो पहली प्रॉब्लम, हम क्या सोच रहे हैं इस ना ओवरब्रिज बना लेते हैं, बात खत्म। सर ओवरब्रिज क्यों बना रहे, तो समस्या क्या है, समस्या ये है कि यहाँ एक तो सिग्नल होगा, ठीक है, अब सिग्नल पे एक पुलिस वाले को खड़ा करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा है। ओके सर, और क्या, अब लोगों को यहां रुकना तो पड़ता होगा, इन लोगों को भी, इधर की गाड़ियां भी, इधर की गाड़ियां भी, इधर की बहुत सारी गाड़ियां रुकती है, तो रुकती है, तो रुकने की वजह से उन लोगों का, उन यूजर्स का जो इसको यूज कर रहे हैं, उनका टाइम का भी तो लॉस होता होगा जी। सर और क्या हो सकता है, पेट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होती होगी, ठीक है सर। सर इसके अलावा और क्या खर्चे हो सकते हैं, हो सकता है एक्सीडेंट होता हो, यहां तो पक्का कोई रोड क्रॉस कर रहा होगा, कुछ ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, उसकी जगह एक्सीडेंट हो सकता है, उसका भी तो इंश्योरेंस कंपनी का लॉस है, तो लॉसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, और गाड़ी बंद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा, उसका भी तो खर्चा हो सकता है। बस हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ओवरब्रिज बनाना है कि नहीं बनाना है। तो भाई हमें तो ओवरब्रिज बनाना नहीं बनाना, उसके लिए हम देखेंगे कि क्या क्या पैसा बच सकता है और क्या कॉस्ट लगने वाला है। ओके सर, अब पढ़ना स्टार्ट कर, मैंने कहा ना पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, कॉस्ट है, कॉस्ट और कुछ नहीं। एवरेज ट्रैफिक पर डे कितनी गाड़ियां चलती है एक दिन में, 10,000 गाड़ी, 10,000 व्हीकल ऑन हाईवे एक्स, हाईवे एक्स पर कितनी गाड़ियां चलती है, 10,000 व्हीकल,
ठीक है। और सर हाईवे वाई पे या हाईवे वाई? यहां तो 8000 व्हीकल्स चलते। ओके सर ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां 10,000 गाड़ियां आती जाती है और इस पे 8,000 गाड़ियां चलती है। 70% ऑफ द व्हीकल्स आर प्राइवेट। सुनना था इसमें से 70% गाड़ियां प्राइवेट है। ओके, प्राइवेट मतलब लोग ऑफिस ऑफिस के लिए जाते हैं ना घर, वो प्राइवेट। ओके सर, और बाकी गाड़ियां कमर्शियल ट्रक वगैरह मान लो। तो 30% कमर्शियल व्हीकल। इसकी बात हो रही है एक्स और वाई दोनों के लिए, इसके लिए भी 70% गाड़ियां प्राइवेट और 30% कौन सा है कॉमर्शियल। द फ्लो ऑफ ट्रैफिक अक्रॉस द बिटवीन अफोर्डेड हाईवे इज कंट्रोल बाय ट्रैफिक लाइट। यहां ट्रैफिक लाइट लगा हुआ, उससे कंट्रोल होता है। ठीक, आगे बढ़ा। ड्यू टू हैवी फ्लो 50% ऑन ईच ऑफ द हाईवे इज डिले। ओहो, बोले कितना गाड़ियां डिले हो जाती, कुछ तो सीधा निकल जाती होगी, उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाता होगा, वो रुकती नहीं होगी, पर कितनी गाड़ियां 50% लोगों को प्रॉब्लम्स झेलनी होती, उन्हें गाड़ियां रुकना पड़ता है, इधर से भी 50% को लोग। मतलब सर सीधा बोलो ना, 8000 व्हीकल नहीं रुकती होगी, फिर 4000 पर डे। ठीक है, डिले हो जाता है, 50% लोग डिले हो जाते हैं। एवरेज लॉस ऑफ टाइम ड्यू टू डिले इज 1.3 मिनट्स इन हाईवे एक्स। लॉस ऑफ टाइम हाईवे एक्स पे कितना? 1.3 मिनट्स। और सर वाई, हाईवे वाई पे कितना लॉस? लॉस यहां भी दिया होगा 1.2 मिनट्स। ठीक, इतना लॉस होता टाइम का। ठीक, हर एक गाड़ी का इतना लॉस होता 50% गाड़ियों का। द कॉस्ट ऑफ टाइम डिले, अब डिले होता है तो भाई डिले की वजह से लॉस भी तो हो जाता है। कॉमर्शियल व्हीकल डिले होती है, ट्रक वगैरह देर से पहुंचते हैं, देर से पहुंचते तो समस्या बहुत ज्यादा होती होगी। प्राइवेट कार जिसकी वो भी देर से पहुंचते तो उनको भी लॉस होता होगा। तो ऑन एन एवरेज कितना लॉस होता है? तो बोले कॉस्ट ऑफ टाइम डिले इज ₹2.80 पर आवर फॉर कॉमर्शियल व्हीकल एंड 30 फॉर प्राइवेट व्हीकल्स। बोले जो लॉस होता है ना वो प्राइवेट के लिए कॉस्ट लॉस ड्यू टू डिले, यहां कॉस्ट कितना होता है, लॉस कितना हो जाता है, लॉस कॉस्ट ऑफ टाइम डिले सर ये है प्राइवेट, प्राइवेट का ₹30 का लॉस होता है एक घंटे का, और सर कॉमर्शियल का ₹80 का लॉस होता है। यहां भी लिख रहे 50% हटा दूंगी, प्राइवेट का ₹30 का लॉस और इसका ₹80 का लॉस, 50% यहां लिख देता हूं। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। लिखा है इसके अलावा कॉस्ट ऑफ स्टॉप एंड स्टार्ट, गाड़ी बंद करोगे फिर गाड़ी स्टार्ट करोगे तो खर्चा भी तो है, तो बोले वो भी खर्चा। ठीक है भैया, कितना है? ₹1.20 फॉर कॉमर्शियल व्हीकल और ₹0.80 फॉर प्राइवेट व्हीकल। कॉमर्शियल के लिए ₹1.20 और इसके लिए ₹0.80, ये किस चीज का कॉस्ट है सर? ये स्टॉप एंड स्टार्ट। ठीक, यहां भी वैसे ही होगा, प्राइवेट के लिए ₹0 और कॉमर्शियल ट्रक में तो ज्यादा खर्चा आता है, इसको बंद कर ली मैं और चालू कर दी। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड ट्रैफिक लाइट CL। अब यहां ना लाइट लगा हुआ, ट्रैफिक सिग्नल है सिग्नल, और इसका खर्चा आता है ₹80,000 पर एनम ट्रैफिक लाइट्स का। वन पुलिसमैन इज रिक्वायर्ड टू बी पोस्टेड। अब ट्रैफिक लाइट ऐसे अपने आप ऑपरेट नहीं होता, बोले एक पुलिसमैन तो लगता है, एक पुलिस लगता है और ट्रैफिक पुलिस। ओके, अच्छा वो 3 घंटे के लिए रहता है, एक दिन में 3 घंटे। एट द क्रॉसिंग विच कॉस्ट ₹150, एक घंटे का ₹150 कॉस्ट लगता है ट्रैफिक पुलिस।
3 hours in a day. और कॉस्ट कितना लेता है? ₹150 पर आवर. सर ये तो गवर्नमेंट देती है, ट्रैफिक लाइट का भी पैसा गवर्नमेंट देता है. हाँ, लेकिन जो यूज करता है उनको तो ये लॉस दिख ही रहा है. ये वाला जो पैसा दे रहा है ना वो गवर्नमेंट दे रहा है, आपका टेंशन नहीं. ड्यू टू फेलियर टू ओबेट ट्रैफिक सिग्नल, कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं स्पीड से निकलते हैं, ठीक है, यहां से सिग्नल तोड़ते हुए निकल जाते हैं, तो बोले यार उस वजह से एक्सीडेंट भी हुए. बोले पास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन दे रहा, 8 फैटल एक्सीडेंट हुए. फैटल एक्सीडेंट का मतलब बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ. 8 और 660 नॉन फैटल एक्सीडेंट हुए, मतलब ऐसे नॉर्मल एक्सीडेंट. अकर्ड इन पास्ट 4 ईयर्स एक्सीडेंट. ये लो भाई, इंश्योरेंस कंपनी का भी तो लॉस एक्सीडेंट की वजह से, या एक्सीडेंट हुआ है. कितने? 8 फैटल एक्सीडेंट और 60 छोटे मोटे एक्सीडेंट, नॉन फैटल एक्सीडेंट. और ये कितने इयर्स में हुए हैं? ये हुए 4 ईयर्स. हम 1 साल का निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं. तो भैया एक्सीडेंट पे कितना देना पड़ा? इंश्योरेंस कंपनी को एक्सीडेंट पर देना पड़ा है, जो गंभीर रूप से एक्सीडेंट हुए उस पे हमको इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ा 5 लाख. और जो नॉन फैटल एक्सीडेंट है उस पे एक एक्सीडेंट पे 15,000 रुपए का खर्चा आया. ठीक है, फाइनली ये सिचुएशन है ब्रिज की, हाईवे का ये सिचुएशन है. प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है मैं आपको फिर से आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ. ये एक्स हाईवे है, ये वाई हाईवे है. इधर से 10,000 गाड़ियां आती जाती है, इधर से 8,000 गाड़ियां आती जाती है. पूरे लोगों को नहीं रुकना पड़ता, कुछ लोग तो यहाँ पहुंचे ग्रीन लाइट आगे निकल गए. मतलब 50% लोगों को यहाँ रुकना पड़ता है, और इधर भी 50% लोगों को यहाँ रुकना पड़ता है. अब रुकते हैं तो दो टाइप के लॉस बताया है. बोले रुकते जैसे ट्रक रोकना पड़ा तो लेट हो गया, और लेट होने की वजह से उसका खर्च बढ़ गया होता है. प्राइवेट गाड़ी जैसे मैं कार से कहीं जा रहा हूं, मुझे रुकना पड़ा, 10 मिनट का लॉस हो गया, और उस लॉस की वजह से भी तो मेरा नुकसान है. तो बोले वो लॉस हो रहा है डिले की वजह से. प्राइवेट पे अलग, कॉमर्शियल पे अलग. प्राइवेट पे अलग, कॉमर्शियल. एक तो वो लॉस है, दूसरा आप गाड़ी बंद करोगे, रेड लाइट है, गाड़ी बंद करना पड़ेगा, फिर गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा, उसका भी तो खर्चा है, तो उस पे भी खर्च हुआ है, वो भी उसने बता दिया. तो ये जो यूज कर रहे हैं ना इसको, उसका खर्चा है. अच्छा, एक्सीडेंट भी हुए भाई, और आगे भी हो गए अगर ये हाईवे रहा तो एक्सीडेंट कितने हुए? बोले 8 गंभीर रूप से एक्सीडेंट हुए और 60 ऐसी नॉर्मल एक्सीडेंट हुए पिछले 4 सालों में, और इंश्योरेंस क्लेम भी देना पड़ा इन लोगों को 5 लाख, इन लोगों को 15,000. ठीक है सर, और क्या खर्चा है? और एक पुलिस, एक यहाँ ट्रैफिक सिग्नल को ऑपरेट करना है, यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगा होगा तो उसके लिए 80,000 रुपए पर एनम का खर्चा. और एक पुलिस वाला यहाँ रह रहा है, हालांकि वो पूरे दिन भर खड़ा नहीं रहता, एक दिन में 3 घंटे, पर उसको हमको कॉस्ट पड़ रहा है 1 घंटे का 150 रुपए. ये टोटल कॉस्ट. तो सर अब क्या डिसाइड कर रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं टू एलिमिनेट द डिले ऑफ ट्रैफिक एंड द एक्सीडेंट कॉस्ट ड्यू टू ट्रैफिक लाइट वायलेशन, फ्लाईओवर हैज बीन डिजाइन. हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना फ्लाईओवर बना लिया जाए, टेंशन खत्म. ओके सर, फ्लाईओवर बना लेंगे. फायदा क्या? फायदा तो दिख रहा है, बहुत कुछ बचेगा आपका. फ्लाईओवर बन गया तो ये भी सीधा निकल जाएंगे, ये भी सीधा निकल जाएंगे, बात खत्म. हालांकि कुछ को प्रॉफिट होगा, कुछ को लॉस होगा, जरा देखते. लिखा है टू एलिमिनेट द डिले ऑफ ट्रैफिक एंड एक्सीडेंट्स कॉज्ड ड्यू टू ट्रैफिक लाइट वायलेशन द फ्लाईओवर हैज बीन डिजाइन. इट विल एड ए क्वार्टर ऑफ किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 20% ऑफ टोटल ट्रैफिक. प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि जब आपने फ्लाईओवर बनाया तो भाई जो सीधा निकल रहे थे अब उनको ऐसे ऊपर से आना पड़ेगा, तो उनका किलोमीटर तो बढ़ गया ना थोड़ा सा, तो ऊपर से आना पड़ेगा उनका. तो बोले जितने भी हैं तो उसका 20% लोगों को
20% जितना भी व्हीकल चलती 20% को 0.25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, इतना फर्क पड़ा। अब कुछ लोग प्रॉब्लम सर 20% को क्यों सबको फर्क पड़ना चाहिए ना बेटे, देखो ना ये ऊपर ये तो सीधा ही जा रहा है, इनको तो फर्क नहीं पड़ा होगा, और कुछ लोग ऊपर से जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज उसने लिया कि 20% लोगों को 0.25 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ रहा, ठीक है जी, तो दिक्कत क्या है, ठीक है। आगे बोला है नो पोस्टिंग ऑफ पुलिसमैन विल बी रिक्वायर्ड एट द फ्लाईओवर, थैंक गॉड पुलिस वाले को हटा देंगे, कहेंगे भैया जरूरत नहीं है आप तो फ्लाईओवर बन गए आपकी जरूरत नहीं है, वो हटाएंगे तो ये पैसा बचेगा किसका बचेगा, गवर्नमेंट का बचेगा, हमारा नहीं। अच्छा आगे फ्लाईओवर बनाने के लिए खर्चा भी तो आएगा भाई, हाँ द फ्लाईओवर विल रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, 3 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, और इसके अलावा हर साल उस फ्लाईओवर को मेंटेन भी करना पड़ेगा, और हर साल का मेंटेनेंस का खर्चा आ रहा 70,000 रुपए। द इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर कॉमर्शियल व्हीकल, अब कितने लोगों को एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है 20% लोगों को, तो भाई उसमें कॉमर्शियल व्हीकल भी है और उसमें प्राइवेट व्हीकल भी है, तो बोले वो एक्स्ट्रा चल रहा है ना एक्स्ट्रा 0.25 किलोमीटर, तो हर एक किलोमीटर पे कॉमर्शियल व्हीकल का 5 रुपए का खर्चा आता है और 2 रुपए का खर्चा आता है प्राइवेट व्हीकल पे, नॉन कॉमर्शियल व्हीकल। फ्लाईओवर कितने साल तक चलेगा, 30 साल तक, नो सेल्वेज वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8%, करस्पॉन्डिंग कैपिटल रिकवरी रेट अभी जैसे किया था ना इक्विवेलेंट निकालेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल नेट बेनिफिट टू यूजर्स, यूजर्स को क्या बेनिफिट है, एनुअल लिखा, एनुअल कॉस्ट टू द स्टेट, स्टेट को हर साल का कॉस्ट कितना, और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मतलब PI, यूजर्स को क्या बेनिफिट है, देखो बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहला बेनिफिट जो डिले हो रहे थे ये लोग 1.3 मिनट डिले हो रहे थे, ये 1.2 मिनट डिले हो रहे थे, अब डिले नहीं होंगे तो वो यूजर्स के लिए फायदे की बात है, क्योंकि डिले होने की वजह से खर्च भी तो आ रहा था, वो पैसा बच जाएगा, ठीक है। दूसरा सर और दूसरा फायदा बताओ, दूसरा गाड़ी रोक रहे थे गाड़ी चालू कर रहे थे, गाड़ी बंद फिर चालू, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी तो पैसा बचेगा, सर ठीक है। और सर तीसरा फायदा बताओ, एक्सीडेंट नहीं होगा, ये जो है ये भी तो पैसा बचेगा, ठीक है सर, 3 बेनिफिट ग्रह सर, ये भी तो बेटे ये यूजर्स का बेनिफिट नहीं है, ये गवर्नमेंट का बेनिफिट है, मैं गवर्नमेंट के बेनिफिट की बात नहीं कर रहा, ओके सर, तो एक ये बेनिफिट, दूसरा ये बेनिफिट, तीसरा एक्सीडेंट का बेनिफिट, सर लेकिन यूजर्स की बात करो तो यूजर्स को एक्स्ट्रा कॉस्ट भी तो लग रहा, हाँ ये एक्स्ट्रा कॉस्ट माइनस कर देंगे, जो आधा किलोमीटर 0.25 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है ना उसका, तो जो आएगा उसका नाम रहेगा नेट बेनिफिट, यहां तक काम हो जाएगा सर। तो पहले वही निकाले क्या, चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नेट बेनिफिट यूजर्स, वन बाय वन करेंगे, स्लो स्लो करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले बात किसकी कर ले, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कहां यार, हाईवे, हाईवे एक्स, कौन कौन सा कॉस्ट, लॉस ऑफ सेविंग्स इन लॉस ड्यू टू डिले, ठीक है सर। और सबसे पहले किसकी बात करें, इसमें प्रोजेक्ट हाईवे, हाईवे एक्स, चलो देखते हैं, पहले हाईवे एक्स ले लेता हूं, अब इसमें भी समस्या है, प्राइवेट है कॉमर्शियल है, तो पहले प्राइवेट, नॉन कॉमर्शियल, कितने व्हीकल्स है टोटल 10,000, 10,000 में प्राइवेट कितने हैं 70%,
मतलब 7000 व्हीकल्स लेट होते हैं प्राइवेट वाले, ठीक है, पर पूरे थोड़ी ना सर 50% ना, चलो भाई 50% ओके, अब खुश 3500 व्हीकल लेट होते हैं। बोलो कॉस्ट कितना आ रहा है? सर कॉस्ट आ रहा है टोटल मिलाकर 30 रुपए, पर सुनो 30 रुपए तो 60 मिनट का है। हाँ सर, तो 1 मिनट का कितना निकल जाएगा, ठीक है, इनटू कितने मिनट लेट होते हैं 1.3, ये कितने दिन का निकला, 1 दिन का, और मुझे टोटल मिलाकर पूरे 1 साल का काम करना है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 365। ऐसे किसकी मैं बात करूंगा, कॉमर्शियल 10,000 व्हीकल है इंटू 30% इंटू 50%, कॉमर्शियल व्हीकल का थोड़ा सा ज्यादा खर्चा आएगा 80, 60 मिनट का तो 1.3 मिनट इंटू 365 जोड़ लेते, 10,000 इंटू 70% इंटू 50% इंटू 30 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 1.3 इंटू 365 देख लेते, 10,000 इंटू 70% इंटू 50% इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1.3 इंटू 365 ये आ गया 8,30,375 ये आ गया 949,000 यहां तक तो ठीक है, ये किसका निकला, हाईवे एक्स। ऐसे ही किसका निकालोगे सर, अब निकालेंगे हाईवे वाई, यही चल रहा है लॉस सेविंग इन लॉस ड्यू टू डिले, यही तो बेनिफिट है ना, पहला वाला हाईवे वाई की। तो अब किसकी बात कर ले इसमें, सबसे पहले प्राइवेट कितने व्हीकल है, ओहो सर गलती मत कर लेना, 10,000 व्हीकल नहीं है, वाई पे तो 8,000 गाड़ियां चलेगी, 8,000 गाड़ियां चलेगी, उसमें से प्राइवेट कितने हैं 70% और 50% ही लोगों को प्रॉब्लम है, और कॉस्ट उतना ही है 30 डिवाइडेड बाय 60 इंटू कॉस्ट कितना पड़ा है, यहाँ अलग है भाई, नहीं उतना ही, यहाँ 1.2 मिनट डिले है इंटू 365। ऐसे कॉमर्शियल की बात कर लेते हैं, कॉमर्शियल है 8,000 इंटू 70% इंटू 50% इंटू 80 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1.2 इंटू 365 ये भी हो जाएगा 8,000 इंटू 70% इंटू 50% इंटू 30 बाय 60 इंटू 1.2 इंटू 365 तो ये आ गया 613,200 8,000 into 70% into 50% into 80 divided by 60 into 1.2 into 365 yeah, I guess 16,35,200 यहाँ 70% नहीं आएगा भाई, यहाँ आएगा 30%, 8,000 इंटू 30% इंटू 50% इंटू 80 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1.2 इंटू 365 यहाँ गड़बड़ हुआ था, ये आएगा 700,800 ठीक है। तो ये सेविंग इन लॉस ड्यू टू डिले ये भी हो गए, अब और एक सेविंग्स, कौन सा सेविंग्स है सर, ये आएगा सेविंग्स इन
स्टॉप एंड स्टार्ट कॉस्ट वो भी तो लेना पड़ेगा। ठीक है सर, इसमें भी दो हाईवे, तो सबसे पहले बात किसकी कर ले? हाईवे एक्स, इसमें कॉमर्शियल और प्राइवेट के लिए अलग अलग है कि हाँ भाई हाँ, तो चलो फिर वही काम करें। प्राइवेट कितनी गाड़ियां हैं? 10,000 गाड़ियां। कितने परसेंट गाड़ियां? 70%, 50% लोगों को फर्क पड़ता है। अच्छा कॉस्ट कितना आ रहा है? 30 रुपए। ये एक दिन का आ गया, मल्टीप्लाई किससे होगा? 365। ऐसी बात किसकी हो जाए? कॉमर्शियल, 10,000 गाड़ियां, कॉमर्शियल कितना? 30%, कितने लोगों को फर्क पड़ेगा? 50% इनटू 30 रुपए नहीं है, ये है 0.8 और ये कितना है? 1.20 इंटू 365। चेक कर लेते, 10,000 इंटू 70% इंटू 50% इंटू 0.8 इंटू 365, ये आ गए 1,022,000। 10,000 इंटू 30% इंटू 50% इंटू 1.20 इंटू 365, ये आ गया 6,57,000। ठीक है ये भी हो गया सर, लेकिन ये तो हाईवे एक्स का हुआ। हाँ यार, और ऐसे ही किसका करना पड़ेगा हमको? हाईवे वाई का। अब हाईवे वाई में भी क्या क्या देखना है? प्राइवेट और कॉमर्शियल, कितनी गाड़ी है? 8,000, कितना परसेंट? 70%, कितने लोग? 50% इंटू, यहाँ कॉस्ट यहाँ भी 80 पैसा ही पड़ रहा है, इसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा, 365। और बात किसकी कर ले? कॉमर्शियल गाड़ियाँ 8,000, कॉमर्शियल है 30% और कितने लोगों को फर्क पड़ेगा इसमें? 50% और कॉस्ट कॉमर्शियल के लिए 1.20 रुपए इंटू 365, 8,000 इंटू 70% इंटू 50% इंटू 0.8 इंटू 365, तो ये गया 8,17,600 और 8,000 इंटू 30% इंटू 50% इंटू 1.20 इंटू 365, ये आया 5,25,600 प्लस 8,17,600, ये भी ठीक है। ठीक है सर, तो एक ये वाला कॉस्ट हो गया, ओके, एक ये वाला भी हो गया, ओके, अभी क्या बचा? एक्सीडेंट। ठीक है, तो सेविंग इन एक्सीडेंटल क्लेम, ये भी लेना पड़ेगा। सेविंग्स इन एक्सीडेंटल क्लेम, कितने एक्सीडेंट है? 8 एक्सीडेंट हुए फैटल, कितने साल में? 4 साल में तो हर साल का जाएगा, क्लेम कितना जा रहा? 5 लाख प्लस नॉन फैटल एक्सीडेंट कितने? 60, कितने साल में? 4, तो 1 साल का एक्सीडेंट आ गया और यहां क्लेम कितना जा रहा है? 15,000, ये कॉस्ट निकल जाएगा। 8/4 इंटू 5 लाख और 60/4 इंटू 15,000, तो ये आ गया 12,25,000। ठीक, तो भाई ये हो गया, इसके अलावा सेविंग इन स्टॉप एंड स्टार्ट कॉस्ट हो गया, सेविंग इन एक्सीडेंटल कॉस्ट हो गया। सर ये भी तो सेविंग होगा, मैंने कहा ना हम यूजर्स के लिए सेविंग निकाल रहे हैं, हम गवर्नमेंट के लिए सेविंग से नहीं निकाल, पुलिस वाले को हटाओगे किसका फायदा? गवर्नमेंट। 80,000 ट्रैफिक सिग्नल हटा हुए किसका फायदा? गवर्नमेंट का। सर यहां तक तो ठीक है, ये फायदा ये सब गिन लिया, लेकिन यूजर्स को ही तो 0.25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, 20% यूजर्स को, वो भी तो कंसीडर कीजिए। हाँ पहले एक काम करते, बिल्कुल वो मैं माइनस कर दूंगा, ये आ रहा सेविंग्स, उसमें से एक्स्ट्रा कॉस्ट माइनस कर दूंगी, पर ये टोटल जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट उसको जोड़ तो लेते एक बार, फिर सोचेंगे क्या करना है।
टोटल बेनिफिट। तो ये टोटल बेनिफिट आ गया मेरा 7340575। अब मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी और वो तो चाहिए, तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं और यहां टोटल बेनिफिट लिख सकता हूं। ठीक है सर, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो यहां आ जाएगा टोटल बेनिफिट 7340575। ये तो हो गया। अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ड्यू टू, किस वजह से? एक्स्ट्रा या एडेड एक्स्ट्रा किलोमीटर या एडेड किलोमीटर। चलो कितने लोग हैं, तो हाईवे एक्स और वाई दोनों की बात कर ले क्या? यस सर, अलग अलग कर लेते। हाईवे एक्स हाईवे वाई, हाईवे एक्स में कितने लोग चल रहे थे? 10,000। और यहां कितने लोग? 8,000। कितने परसेंट लोगों को फर्क पड़ेगा? 20% को फर्क पड़ेगा। कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? 0.25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। ओहो, पर समस्या ये नहीं है, इसको तो अभी हटा दिया। समस्या तो कुछ और ही है। सबसे पहले हाईवे एक्स, इसमें भी प्राइवेट और कॉमर्शियल, कितने हैं? 10,000 में से 70% है प्राइवेट, 30% है कॉमर्शियल। कितने लोगों को फर्क पड़ेगा? 20% इंटू इंट, यहां तक तो ठीक है। कितने किलोमीटर का फर्क पड़ेगा? 0.25। आगे कितना कॉस्ट पड़ रहा है? प्राइवेट वाले को कितना लग रहा है? कॉमर्शियल, ये लिखा हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉमर्शियल को 5 रुपए और प्राइवेट वाले को 2 रुपए। एक दिन का है ये, तो कितने दिन का लेना पड़ेगा? 365 डे का। चलो भाई, तो 10,000 इंटू 70% इंटू 20% इंटू 0.25 इंटू 2 इंटू 365, तो ये आ गए 255,000। 10,000 इंटू 30% इंटू 20% इंटू 0.25 इंटू 5 इंटू 365, ये आया 273,750। तो ये बात किसकी हुई? हाईवे एक्स एक्स्ट्रा कॉस्ट। सर वाई पे भी तो जाएंगे ना लोग? हाँ भाई, वाई पे भी तो एक्स्ट्रा किलोमीटर बढ़ेगा, ऑन एन एवरेज सभी पे बढ़ेगा। ओके सर, तो प्राइवेट और कॉमर्शियल। अब आपके मन में ये आता होगा, सर एक्स्ट्रा किलोमीटर अगर ओवरब्रिज बना तो ऐसा बनेगा, तो इन्हीं को पड़ेगा ना? बेटी मेरी बात समझो, बाकी लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो नीचे से जाएगी। नहीं, उसने ये लिखा हुआ कि ऑन एन एवरेज सभी को फर्क पड़ेगा। अब मैं ऐसे कैसे निकालू कि 10,000 में इसको फर्क पड़ेगा? उन्होंने जितना भी किलोमीटर है, सबका, जितने भी व्हीकल है, सबका एवरेज बोल दिया 20%, इसलिए मुझे 10,000 का भी लेना पड़ा, 8,000 का भी लेना पड़ा। ओके, 8,000 70% प्राइवेट,
30% कॉमर्शियल, 20% लोगों को फर्क पड़ेगा, एक्स्ट्रा किलोमीटर चलना पड़ेगा 0.25, यहाँ 2 रुपए खर्चा, यहाँ 5 रुपए खर्चा, मल्टीप्लाई 365 और मल्टीप्लाई 365 वही हो सकता है। ऐसा कर सकते हैं कि वैसे शॉर्ट, चलो कर ही लेते, 8000 इंटू 70% इंटू 20% इंटू 0.25 इंटू 2 इंटू 365 ये आ गए 2044 00। 8000 इंटू 30% इंटू 20% इंटू 0.25 इंटू 5 इंटू 365 ये आ गया 219000 प्लस 2044 ठीक। अब निकाल लेते ये सेविंग्स और ये एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो नेट बेनिफिट निकाल लेते हैं। नेट बेनिफिट, टोटल नेट बेनिफिट जिसके लिए हम देखते कितना 7340575 - 2355500 -2737500 - 2044 00 -219000 तो ये आ गया 6387925। अल्टरनेटिव आप इसको PVAF से डिवाइड करोगे, फिर उसी से उससे मल्टीप्लाई करोगे, उसी से डिवाइड करोगे, तो सीधा सीधा मैंने ये लिख के बात करता हूं। ये एनुअल आया, एनुअल है ना, एनुअल। अच्छा आगे बोला एनुअल कॉस्ट टू द स्टेट, एनुअल कॉस्ट टू द स्टेट, एनुअल बोला है ठीक है। तो भाई कॉस्ट क्या आएगा, अब स्टेट गवर्नमेंट को क्या कॉस्ट क्या आएगा, सर ब्रिज बनाना पड़ेगा, ब्रिज तो गवर्नमेंट ही बनाएगा, यस, और ब्रिज बनाने का खर्चा 3 करोड़, 3 करोड़ का मतलब 300 लाख, पर वो तो पूरे कितने साल का, 30 साल, तो आपको रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई कर देते जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, वैसे ही मैं काम कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट निकालता हूँ ठीक है। तो सर आप कोई सैलरीज तो है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इक्विवेलेंट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एनुअल 300 लाख है, रिकवरी रेट दिया होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट समझ रहे हैं, मैं इक्विवेलेंट कर रहा हूं, ये पिछले एग्जांपल पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था इसी वजह से, 888 300 लाख into 0.0 0.0888 तो ये आ गया 2664000 ठीक है सर। सर लेकिन कुछ फायदे हैं क्या, हाँ भाई ये लोग हटा देंगे तो ये भी तो हमारा फायदा है, ये हर साल का ठीक है, तो एनुअल ही माइनस सेविंग्स है 80000 तो ये है, प्लस ट्रैफिक पुलिस को हटाएंगे, ट्रैफिक पुलिस को हटाओगे तो 1 घंटे का कितना लेता था वो 150, 1 दिन में 3 घंटे, 150 रुपए 1 दिन का, तो 365 दिन का कितना, ये मेरा सेविंग्स हो जाएगा 150 × 3 × 365 प्लस 80000 2445 एनुअल कॉस्ट आ गया 2664000 - 2442500 अच्छा एक और कॉस्ट वो भी जोड़ देते हैं, ये माइनस होगा प्लस एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट, वहां लिखा नहीं था ना लेकिन बुक में लिखा हुआ एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट, वो भी तो जोड़ना पड़ेगा, वो कितना रुपए है 70000 रुपए का हर साल का वो भी खर्चा, और मेंटेनेंस कौन करेगा, सर मेंटेनेंस गवर्नमेंट करेगी
2419750 प्लस 70,000। अब ठीक है, 2489750 ये आ गया आपका कॉस्ट टू द स्टेट, एनुअल कॉस्ट है एनुअल। तो पॉइंट नंबर टू भी हो गया। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ और क्या मांगा है, पीआई। थर्ड मांगा है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, यह है बेनिफिट यह है कॉस्ट। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू, पर इसको नहीं देखना पड़ेगा मुझे, जो फॉर्मूला है वो तो ऐसा चलता पीवीसीआई डिवाइडेड बाय पीवीसीआई। सर तो ये एक साल का है, यस ये एक साल का है, तो सर इसको पूरे 30 साल का कैसे बनेंगे बेटे, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए फैक्टर। अच्छा सर रिकवरी रेट दिया है, हाँ तो उससे डिवाइड कर दीजिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया हूं। फैक्टर जो है अगर उसको मैं 1 से डिवाइड कर देता हूं, 1 से डिवाइड, तो वो रिकवरी रेट आया। तो अब मुझे अगर मुझे निकालना पीवीसीआई तो मैं कैसे निकालूंगा, 6387925 डिवाइडेड बाय रिकवरी रेट 0.0888 और पीवीसीआई कैसे निकालूंगा 2489750 डिवाइडेड बाय 0.0888। सर डिवाइड क्यों करो, मल्टीप्लाई करो बेटे, ये जो आया है ये 1 डिवाइडेड बाय पीवीएफ करके आया, पीवीएफ 1 डिवाइडेड पीवीएफ, और मुझे पीवीएफ से मल्टीप्लाई करना है, तो आप समझ ही गए हो कि ऑटोमेटिक रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो अब निकालते हैं बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, 6387925 डिवाइडेड बाय 0.0888, तो यहां आ जाएगा 719 3609 2489750 डिवाइडेड बाय 0.0888, तो यहां आ गया 2807725। तो आंसर आ गया 2.566। अगर मैं कहता हूं पीआई के हिसाब से डिसीजन बताओ एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, पक्का करेंगे, क्यों, क्योंकि बेनिफिट ज्यादा है, कितना, डबल से भी ज्यादा है, दिस इज पीआई, तो मैं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ पूछा नहीं है, उसने पूछा था इन्हें, सर इतना बड़ा क्वेश्चन, हाँ सर, तो इसको छुड़वा नहीं सकते थे, छुड़वा सकता था, लेकिन इसी न्यू एडिशन में ये ऐड हुआ ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने करवाया हूं, नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन चांस नहीं आने का। ठीक है जी, हाँ बच्चों, तो अब कैपिटल बजटिंग की हमारी आखिरी क्लास, दो क्वेश्चन बचे हुए, दो क्वेश्चन करवाऊंगा, कैपिटल बजटिंग खत्म हो जाए। तो उसमें सबसे पहले ले रहे क्वेश्चन नंबर 42, पेज नंबर 16 लिखा है, जंबल कंसल्टेंसी ग्रुप हैज डिटरमाइंड रिलेटिव यूटिलिटी ऑफ कैश फ्लो of two forthcoming projects of its client company as follows. Utility क्या होता है, utility का मतलब होता है wealth, maximization, मतलब profit, आप ऐसा profit मांगे चलो जिसमें risk कम और return ज्यादा, ये मैंने कहा पढ़ाया हूं आपको portfolio में। अब बोले utility maximum होना चाहिए और जिसमें utility maximum होगा उसके हिसाब से हम decide करेंगे। ठीक है जी, और बोले यूटिलिटी किस पर डिपेंड करता है, कैश फ्लो पे, अगर कैश फ्लो -15,000 तो बोले रहा है यूटिलिटी -100,
इस तरह से कैश फ्लो माइनस 10 है तो यूटिलिटी माइनस में रहेगा 64,000 है तो जीरो है तो जीरो। हाँ पर कैश फ्लो पॉजिटिव है 15,000 है तो यूटिलिटी 40 फिर 30 फिर 20 मतलब डिपेंड्स अपन कैश फ्लो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश फ्लो प्रोजेक्ट ए एंड बी आर एस प्रोजेक्ट ए कैश फ्लो माइनस 15 भी हो सकता है माइनस 10,000 भी 15,000 भी 10,000 भी और प्रोबेबिलिटी दिया तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालेंगे और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जिसका मैक्सिमम होगा उसको हम प्रोजेक्ट ए और बी दोनों का दे रखा। बोल रहा कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है बोलूं तो जो है हमें यूटिलिटी निकालना है तो चलो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं वन बाई वन। ठीक है तो पहले मैं बात करता हूं प्रोजेक्ट ए की। प्रोजेक्ट ए में सबसे पहले लिख लेते कैश फ्लो। प्रोजेक्ट ए में कैश फ्लो कितना माइनस 15,000 भी हो सकता है माइनस 10,000 भी हो सकता है फिर माइनस 15 हो सकता है नहीं माइनस 15 नहीं फिर प्लस 15 प्लस 10,000 भी हो सकता है और प्लस 5,000 भी हो सकता है। और कैश फ्लो पे किस क्या डिपेंड करता है यूटिलिटी। अगर माइनस 15,000 है तो यूटिलिटी कितना पीछे वाले पेज में देखो माइनस 100 अगर माइनस 10,000 है तो माइनस 60 अगर 15,000 है तो यूटिलिटी कितना है 40 अगर 10,000 तो यूटिलिटी 30 5,000 तो यूटिलिटी 20 और क्या प्रोबेबिलिटी है इतने यूटिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी चेक करो मिल जाएगा 0.1 0.2 0.4 0.2। अब क्या करने वाले हैं यूटिलिटी को मल्टीप्लाई किससे करेंगे प्रोबेबिलिटी से। हंड्रेड माइनस इनटू पॉइंट आ गया माइनस पॉइंट टेन नहीं माइनस टेन आएगा ना 60 इंटू पॉइंट माइनस 12 40 इंटू पॉइंट 5 16, 30 into 0.2, 6, और ये 2, तो ये आ गया मेरा expected utility, (2 + 6 + 16 - 12 - 10) तो यूटिलिटी आ गया बेटे 2, ये किसकी बात है प्रोजेक्ट ए। अब किसकी बात करेंगे अब बात करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट बी। और प्रोजेक्ट बी में सबसे पहले क्या लिखोगे कैश फ्लो कितना हो सकता है माइनस 10 माइनस 4,000 15,000 5,000 एंड 10,000 और कैश फ्लो के पे डिपेंड क्या करता है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या हो सकता है चेक करो अगर माइनस 10,000 तो यूटिलिटी आएगा माइनस 60 माइनस 3 अगर 15,000 है तो 40 5,000 है तो 20 और 10,000 है तो माइनस 60 इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे प्रोबेबिलिटी। तो चलो भाई माइनस 60 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.10 माइनस 4,000 की 0.15 15,000 की 0.40 यहां 0.25 और 10,000 0.1 अब यूटिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी तो माइनस 6 दिख रहा है आपको
ये माइनस सिक्स के अलावा 0.45 माइनस में है, और माइनस सिक्स चेक कर लेते, 16 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 0.45। एक बार फिर से चेक कर लेता कहीं गड़बड़ तो नहीं हो, माइनस 10 माइनस 4 15 5 और 10, तो माइनस 15 पहला, माइनस 10,000 के सामने है माइनस 60 सही है, इसके सामने माइनस 3 ये भी सही है, 15,000 के सामने 40 ये भी सही है, 5,000 के सामने 20 ये भी सही है, और 10,000 के सामने गलती हो गई बेटे, और 10,000 के सामने क्या है 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 चेंज हो जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 16 माइनस 0.45 माइनस 6 आंसर आ गया 17.55 सही है ना। हाँ, दिस इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, तो फाइनली प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड ड्यू टू हायर यूटिलिटी। तो ये क्वेश्चन बाकी था क्वेश्चन नंबर 42। इजी क्वेश्चन था, कुछ बात थी नहीं। हाँ, पर इतना कि एक बार अगर नहीं किया है तो आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से एक आध और क्वेश्चन बचा हुआ देख लेते हैं क्या खास बात है। कौन सा क्वेश्चन और बचा, क्वेश्चन नंबर 44 बचा, पेज नंबर 7। एन कंपनी है जो कॉन्टेम्पलेटिंग वेदर टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, टैक्स ने रिप्लेसमेंट करोगे तो 90,000 रुपए का खर्चा आएगा, साथ में मेंटेनेंस भी होगा हर साल 10,000 रुपए 8 साल तक। देखो एट द एंड ऑफ 8 ईयर इसको आप बेच दोगे 20,000 में, कौन सी मशीन, न्यू जो खरीदोगे, एग्जिस्टिंग मशीन में मेंटेनेंस का, ये इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है। तो 44 एक काम करो बेटे, 44 ले लीजिए होमवर्क, और खास बात है इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूं, तो उससे आप देख लोगे, टाइम क्यों खराब कर। तो 44 होमवर्क है, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है बुक में, या तो फिर बुक में सॉल्यूशन होगा, या तो फिर आप प्रैक्टिस मैनुअल, या फिर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बुक के पीछे आपको दे दूंगा, क्वेश्चन नंबर 44। तो देखा जाए 44 कर लोगे बेटे, नॉर्मल रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन किए ना, मतलब सर कौन सा क्वेश्चन था ऐसा बता दो, इसके टाइप मैं क्वेश्चन बता देता हूं। रिप्लेसमेंट किया, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट, हाँ तो उसी टाइप का क्वेश्चन है कि हमें रिप्लेस आज कर देना चाहिए या एक साल बाद रिप्लेस करना चाहिए या दो साल बाद रिप्लेस, वो 3 साल बाद 4 साल बाद, तो बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है भाई, सर कर ही ले क्या, चल कर लेते, क्या लिखा हुआ जरा पढ़ दूं मैं। अगर आप मशीन खरीदोगे, जब भी खरीदोगे, आज खरीदोगे, एक साल बाद खरीदोगे, दो साल बाद खरीदोगे, 3 साल बाद खरीदोगे, 4 साल, जब भी खरीदना हो, 90,000 की मशीन आएगी, हर साल मेंटेनेंस का खर्चा आएगा 10,000 रुपए 8 साल तक न्यू मशीन पे, और 8 साल बाद न्यू मशीन बेचोगे तो 20,000 की बिकेगी। एग्जिस्टिंग मशीन में मेंटेनेंस का खर्चा हर साल बढ़ेगा और सैलवेज वैल्यू हर साल कम होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपसे पूछा, व्हेन शुड द मशीन रिप्लेस, मशीन को कब रिप्लेस करना चाहिए, तो चलो काम करते हैं, होमवर्क करते हैं। पहला
रिप्लेस ना हो। ये कैश को इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, आप अच्छे से जानते हैं, 8 साल का कैश फ्लो इसमें देना है। तो सर मशीन कब खरीदेंगे? कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन आज, आज कितने की आएगी? 90। तो आज ही क्या करोगे, सेल कर दोगे, सेल ऑफ ओल्ड मशीन। कितने रुपए की बिक जाएगी आज ओल्ड मशीन? 40,000 की। अब न्यू मशीन पर मेंटेनेंस का भी खर्चा है, ऐसा लिखा है ना? हाँ, मेंटेनेंस एक्सपेंस। कितने रुपए का खर्चा है बेटे हर साल? 10,000 इनटू फैक्टर दिया है क्या? यस, 4.4873। सर ओल्ड मशीन का भी तो मेंटेनेंस वगैरह है बेटे, ये है, लेकिन तब होता जब मैं 1 साल बाद रिप्लेस करता, अभी तो अभी की अभी यहां बेच रहा हूं। ठीक है सर, ये मेंटेनेंस हो गया। सर इसके अलावा और क्या है? सैलवेज ऑफ न्यू मशीन, न्यू मशीन को बेचूंगा तो 20,000 की बिकेगी, लेकिन 8 साल बाद, तो 8 साल का फैक्टर चेक कर लो, दिया हुआ है क्या? यस, 0.3269। 20,000 इंटू 0.32 तो ये आ गया 6,538। तो पक्का पीवीसीओ आ गया 90,000 माइनस 40,000 प्लस 44873 माइनस 6,538 तो गया 88335 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? पीवीएफ इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, 8 साल का फैक्टर ले लेते हैं, 8 साल का फैक्टर ये है 4.4873 तो यहाँ का इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसी 88335 डिवाइडेड बाय 4.4873 तो ये आंसर आ गया 19685 पहला। अगर हम रिप्लेस कब करते हैं? आज रिप्लेस ना। दूसरा रिप्लेस आफ्टर वन, अगर हम 1 साल बाद रिप्लेस करते हैं तो 1 साल बाद बेचेंगे मशीन, चेक कर ले कितना जाएगा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। 90,000 की नई मशीन आएगी माइनस ओल्ड को यहीं से माइनस करके, हाँ ओल्ड मशीन 25,000 की बेच देंगे, 90,000 माइनस 25,000 तो 65,000 का खर्चा आएगा। पर रिप्लेस कब करो? 1 साल पर, 1 डिवाइडेड 1.15 तो यहां जाएगा 0.8696 ले लेता, तो 65,000 इंटू 0.8696 तो ये तो कैश 5,652। हाँ ठीक है सर, सर मेंटेनेंस भी तो लगेगा। यस, मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड मशीन का लेता हूं सबसे पहले, पहले साल तो मेंटेन करवाना पड़ेगा। यस, ओल्ड मशीन का मेंटेनेंस का खर्चा कितना आ रहा है? 10,000 सर ये आएगा पहले साल। यस, 0.8696 तो ये आ गया 8696। ये दो चीजें। अब मेंटेनेंस किसका होना है सर? अब मेंटेनेंस होगा न्यू मशीन का, हर साल कितने का मेंटेनेंस है? 10,000। अब फैक्टर 1 डिवाइडेड 1.15
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ लेना पड़ेगा इस बार जीटी, पर इसमें एक साल का माइनस करना पड़ेगा ना, वन डिवाइड 1.16। तो बेटे ये आ गया 3.9020। मैंने यहां लिया PVAF 2 साल से 9 साल तक, कितने परसेंट का 15%। फिर से देख लेते हैं, 6 7 8 9 ठीक है बस। तो अब आ जाएगा 10,000 × 3.9020, तो ये आ गया 39020। सैलवेज भी लेना पड़ेगा, मशीन बेचोगे 20,000 का इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सोच के बताना किया हुआ है नाइन्थ ईयर का, कितना परसेंट 15%। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ 0.2843। तो यहां आ जाएगा अब की बार माइनस में आ गया 5686। अब निकाल लीजिए 5,6524 + 8,696 + 39020 - 5,686, तो ये आ गया 9,8,5,5,4। दिस इज PVCO, पर प्रॉब्लम है ये कितने इयर्स का है, 9 साल का, तो अब हमको डिवाइड करना पड़ेगा PVAF 9 साल का, कितने परसेंट का 15% फैक्टर। 1 to 9 लेना इस बार, 1 / 1.15। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ जी ठीक, तो ये आ गया 4.772 ले लेते। तो 9,8,554 / 4.772, तो ये आ गया इक्विवेलेंट 20,652। दिस इज इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसी। तो अगर मैं आज रिप्लेस करता हूं आज, तो इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसी आ गया 19685। अगर एक साल बाद रिप्लेस करता हूं आफ्टर वन ईयर, तो इक्विवेलेंट कितना आया 20652। इसी तरह से एक साल आज हो गया, एक साल हो गया, ऐसी होगा 2 साल, ऐसी होगा 3 साल, ऐसी होगा 4 साल, और जिसमें कम आंसर आएगा इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसी हो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है सर, तो सर ये रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ते जाएगा? हाँ बेटे, सर ये 2 साल तक का करके बता दीजिए, टेंशन खत्म हो जाएगा। चलो भाई मैं एक और बता देता हूँ, रिप्लेस आफ्टर 2 ईयर्स, अगर मैं 2 साल बाद रिप्लेस करता हूं, तो कॉस्ट कितना आएगा सर? 90,000, लेकिन इस बार मशीन कितने की बिकेगी? 25,000 की। 90,000 यहां गलत हुआ, नहीं यहां तो ठीक है, 25,000, 15,000 की बिकेगी बेटे, 15,000 की अगर मैं 2 साल बाद रिप्लेस करता हूं, तो 90,000 - 15,000 × फैक्टर दूसरे साल का लेना पड़ेगा, 1 / 1.15। तो ये आ जाएगा 0.07561। 90,000 - 15,000 × 0.7561, ये ओल्ड मशीन को बेच रहा हूं उसका, तो ये 5,670। यहां तक हो गया। अब बात किसकी करते हैं, मेंटेनेंस। सबसे पहले बात किसकी करें, ओल्ड मशीन। अब ओल्ड मशीन का मेंटेनेंस देखना, 10,000 तो लगेगा ही पहले साल, कोई रोक नहीं सकता, पर दूसरे साल भी मेंटेन करवाना पड़ेगा, और उस पर खर्च कितने का आएगा, 20,000।
और फैक्टर कौन से साल का आएगा, दो से साल का, 7561। तो आ गया 15122 प्लस 8696, तो ये बेटे 23818। और मेंटेनेंस कब का लेना पड़ेगा सर, मेंटेनेंस अब लेना है हमको न्यू मशीन का, हर साल कितने का खर्चा है 10,000 का, लेकिन अब यहां मुझे लेना पड़ेगा PVAF 3210229 डिवाइडेड बाय 1.15। अच्छा सैलवेज भी लिख लेता हूँ फिर फैक्टर ले दूंगा। 20,000 की बिकेगी मशीन, यहां पीवीएफ लेना पड़ेगा कौन से 15% का, कितने साल का, 10 years का, 1 डिवाइडेड 1.15। एक दो तीन एम प्लस चार एम प्लस पांच एम प्लस छह एम प्लस सात एम प्लस आठ एम प्लस नौ एम प्लस दस एम प्लस ये वाला लिख देता हूँ 0.2472 एमएससी, ये आ गया 3.3930। तो 10,000 into 3.3930 तो 33930 ये माइनस में जाएगा, 20,000 into 0.2472 ये आ जाएगा 4944 प्लस 56707 प्लस 23812 प्लस 33930 माइनस 4944 तो यहाँ को PVCO है 109511। दिस इज PVCO डिवाइडेड बाय क्या करोगे PVAF, आपकी बार पूरे 10 साल का ले लेना, 1 divided by 1.15 5.0 1 8 8 तो ये आ गया 21820। इसका नाम रहेगा इक्विवेलेंट एनुअल पीवीसी। इसका मतलब ये आ गया अगर मैं 2 साल बाद रिप्लेस करूं तो इक्विवेलेंट आ रहा 21820। आज रिप्लेस करे तो 1 साल बाद रिप्लेस करे तो 2 साल बाद रिप्लेस करे तो फिर आगे क्या आएगा 3 साल बाद रिप्लेस करो तो 4 साल बाद रिप्लेस करो तो सेम ट्रीटमेंट करना है, आंसर निकालना जिसमें सबसे कम आएगा इक्विवेलेंट पीवीसी वो फाइनल होगा। आंसर मैंने बुक में दिया होगा सॉल्यूशन, ठीक है तो इसको कर लोगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसा कर रहे थे वैसे ही करोगे, ये भी हमारा किया हुआ ऐसा नहीं कि नहीं किया हुआ। तो ये क्वेश्चन आप करोगे, इसके बाद कैपिटल वेस्टिंग की बहुत सारा पूरा नहीं कर पाओगे, जितने मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ या लिखूंगा दूंगा आपको व्हाट्सएप या जैसे भी टेलीग्राम पर, आपको उतने ही क्वेश्चन करना है। कैपिटल वेस्टिंग खत्म, लीजिंग जो करोगे ज्यादा अच्छा कैपिटल वेस्टिंग के बाद में करोगे, कैपिटल वेस्टिंग जैसे ही खत्म हुआ वैसे आप लीजिंग कर लोगे, इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।